गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबको नमस्ते, प्रणाम और बहुत सारा प्यार। देखिएगा, आज के इस एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कल की कुछ बेसिक थ्योरम्स, और 10 थ्योरम इस वीडियो में आपको मिलेगी, और इन 10 थ्योरम्स में से ऑलवेज एक थ्योरम आपको एग्जाम में मिल जाएगी। और एक थ्योरम तो ऐसी है आपके पास कि जो पिछले 10 सालों में कम से कम 8 या 9 बार आई होगी। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इन थ्योरम्स में क्या है, और इन्हीं थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट हम यूज करके सर्कल के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, एंगल्स मिसिंग फाइंड करेंगे, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली थ्योरम को सॉल्व करते हैं। क्या है पहली थ्योरम मेरे पास? थ्योरम नंबर 1 आपको गिवन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सबसे पहली थ्योरम जो मैंने डेफिनेशन में आपको टेंजेंट की बात की थी, आपने देखा होगा इससे पहले की वीडियो में कि टेंजेंट की हमने बात की थी। यहां पे AB जो है वो टेंजेंट लाइन है, तो मुझे प्रूव करना है कि जब मैं टेंजेंट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी इसको बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल। सो यहां पे अगर मैं रेडियस को ज्वाइन करता हूं, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मुझे ये प्रूव करना है, राइट। क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, थ्योरम में आपको अगर 2 मार्क्स में थ्योरम आती है, 3 मार्क्स में थ्योरम आती है, तो आपको फुल मार्क्स लेने के लिए उसमें ये सब भी मेंशन करना होता है, आपको सब लिखना होगा, सब प्रूव करना होगा। गिवन क्या है आपके पास? अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट AB। एक सर्कल गिवन है मुझे और एक टेंजेंट गिवन है, राइट। सो मुझे प्रूफ क्या करना है? OP परपेंडिकुलर टू AB, राइट। OP, P पॉइंट मेरा यहां पे है, OP परपेंडिकुलर है वो किस पे? AB पे, ये मुझे प्रूफ करना है, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है और प्रूफ आप कैसे करेंगे, वो सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन की हेल्प से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये रेडियस है, रेडियस भी है ये सर्कल का, राइट। O से P तक रेडियस भी है, क्योंकि ये लाइन बाहर नहीं जा रही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक, यहां से एक लाइन ऐसे ज्वाइन करता हूं अप टू दिस पॉइंट। आप इसको कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो P, O, R और इसको मैं S मान लेता हूं, ठीक है। R पॉइंट मेरा ये है जहां पे ये बाउंड्री को टच कर रहा है, और S पॉइंट मेरा ये है जहां पे ये एक्सटेंडेड रेडियस, अगर मैं इस रेडियस को एक्सटेंड कर दूं तो वो इसको यहां पे जो आपकी टेंजेंट लाइन है उसको S पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो देखिएगा, ये थोड़ा इरेज हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। चलिए अब देखिएगा हम प्रूफ कैसे करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना होगा जॉइन OS एंड मार्क अ पॉइंट R ऑन द सर्कल। कहां पे मार्क करना है? वेयर, जहां पे OS इंटरसेक्ट दी सर्कल, राइट। अब आपको यहां पे बिल्कुल छोटी सी बात बतानी है, सिर्फ 2 ही स्टेप की थ्योरम है ये। कैसे? देखिएगा, आप ये लिख सकते हैं, हम प्रूफ में लिख रहे हैं कि OR इज लेस देन OS, राइट। OR इज लेस देन OS, OR जो है वो लेस देन है OS से, ऑब्वियसली है, बिकॉज ये वाला पार्ट इसमें ज्यादा है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो OR छोटा होगा, ये OR जो है वो स्मॉलर है किससे? OS से। ये क्लियर है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि OR जो है दैट इज इक्वल टू OP, रीजन बीइंग ईच रेडियस जो आपकी OR है, वो OR ये वाला पार्ट और ये OP, दे बोथ आर इक्वल, बिकॉज दोनों आपके पास क्या है? रेडियस है। इसको भी मैं यहां से यहां तक लिख सकता हूं कि रेडियस है, यहां से और यहां तक सिर्फ ये क्या है? रेडियस है। उसके बाद ये वाला पार्ट बाहर चला गया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इसको OR को रिप्लेस कर दीजिएगा OP से, इसी इक्वेशन में OR की जगह OP लिख दो, सो यहां पे क्या आ जाएगा? OP लेस देन OS। आपने क्या किया? OR इक्वल टू OP है, तो यहां पे OR की जगह इस वाले प्लेस में, इस वाले इक्वेशन में OR की जगह OP पुट कर दिया, तो इससे मुझे क्या पता लग गया कि मेरा OP जो है वो OS से लेस है। ऐसे ही अगर आप कुछ और भी पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, सपोज आप यहां से यहां लाइन ज्वाइन करते हैं,
तो ये लाइन भी आपकी इस ओपी से छोटी होगी। ठीक है, हमेशा आप दूसरी कोई भी लाइन ज्वाइन करेंगे, ये एक सिंगल पॉइंट है मेरे पास, आप कोई भी दूसरी लाइन, आप कितनी भी लाइन ज्वाइन कर लो, यहां पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, आप यहां पे कितनी लाइन भी ज्वाइन कर लीजिए, वो सभी लाइन जो है आपकी ओपी से बड़ी होंगी, सब ओपी से बड़ी होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपी मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। सो ओपी इज क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और ये मेरे पास पॉइंट है, हेंस क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। रीजन क्या रहेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट। आप रीजन लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। किसी भी पॉइंट से आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर रफली आइडिया बना रहा हूं, अगर ये एक लाइन है या लाइन सेगमेंट हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने लाइन बना दिया, और इस ये पॉइंट है कोई भी एक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आपको इस लाइन पे कम से कम टाइम, कम से कम डिस्टेंस ज्वाइन करना है, कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, और दूसरे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब आपके इस एक्स पी से बड़े होंगे, इस लाइन पे और कितने भी पॉइंट आप ज्वाइन कर दो, यानी कि सिर्फ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन पे, वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बिल्कुल सीधा रास्ता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका तीन स्टेप का मेन थ्योरम था, ये तीन स्टेप मेन है, इसमें ये लिखने थे आपको। ओके, उसके बाद आपको ये रीजन देना है और आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ वेरीफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर टू के लिए। नंबर टू आपके पास क्या है, देखिएगा, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। यहां पे आपको बताना है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों थ्योरम में, थ्योरम नंबर वन और थ्योरम नंबर टू में, बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है, आपको उसको समझना है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है, स्टेटमेंट में काफी डिफरेंस है लेकिन लिखने में बहुत कम डिफरेंस है, ये जो एंड पॉइंट मतलब रेडियस से, सेंटर से अगर आप रेडियस को ज्वाइन करेंगे किसी भी सर्कल पे, इस पॉइंट पे जो लाइन यहां से पास कर रही है, अगर ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये इसका टेंजेंट होगी, और कोई दूसरी लाइन इसका टेंजेंट नहीं होगी, यानी कि यही लाइन इसका टेंजेंट होगी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा कैसे प्रूव करें। अब इससे पहले की थ्योरम में हमने ये सीखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये यहां पे परपेंडिकुलर है। अब ये कह रहा है अगर परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट होगी, ये प्रूव करिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, क्या उसी तरीके से हम एक पॉइंट ज्वाइन करते हैं, आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हम यहां से एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ऐसे, राइट, इस पॉइंट को क्यू ले लीजिएगा और यहां पे इसको आर ले लीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपने यहां पे क्यू ले लिया है, लाइन क्यू जो आ रहा है वो आपका ए बी लाइन पे आ रहा है, और पी आर जो है वो आर आपका पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री पे है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, ज्वाइन आप लिखेंगे ज्वाइन ओ क्यू एंड मार्क एंड टेक पॉइंट, टेक अ पॉइंट आर ऑन सर्कल। आर कहां पे लेना है, जहां पे ये ओ क्यू आपके सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे आर पॉइंट लेना है। ठीक है, अब प्रूफ में देखिए आपको क्या लिखना है, सिर्फ दो बातें आपको प्रूफ में लिखनी है, ध्यान रखना है बिल्कुल नजदीकी से, देखिएगा कैसे। आपने ओ पी जो है, दैट इज ओ पी परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, ये मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद, अब आपने क्या किया है, या आपने यहां पे OQ ज्वाइन किया है, जो OQ है दैट इज लेस देन OP, OP जो है दैट इज लेस देन OQ, OQ को इधर लिखते हैं हम, राइट और नॉट, जो आपका ये लेंथ OQ है, दिस OQ लेंथ इज
लेस ग्रेटर देन ओपी, राइट, यानी कि ओपी जो है मेरा छोटा रहेगा। आप इस लाइन पे, हमने पहले वाली थ्योरम में भी यही डिस्कस किया था कि आप इस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, चाहे दूर करें या नजदीक करें। दूर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, नजदीक करेंगे तो बहुत कम डिफरेंस रहेगा, लेकिन पी पॉइंट के अलावा इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो आपका ओपी से हमेशा लेंथ बढ़ी आएगी, ठीक है। सो आप लिखेंगे देयरफॉर ओनली पॉइंट पी इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, मीन एनी अदर पॉइंट ऑन दिस लाइन अदर देन पी विल बी आउटसाइड द सर्कल। आप ये लिख देंगे यहां पे, ऐसा कुछ थ्योरी में आपको लिखना है कि अदर देन पॉइंट पी आप कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे लेंगे ए बी पे, दैट विल बी आउटसाइड द सर्कल, तो वो सर्कल से आउटसाइड जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, हेंस ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल, ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल ओनली इट इज पॉसिबल एट थ्रू पॉइंट पी। ए बी टेंजेंट है और वो कौन से पॉइंट से है, थ्रू पॉइंट पी से पॉसिबल होगा ओनली, और किसी पॉइंट से नहीं है। जो ए बी है उसकी बात कर रहे हैं, अदर पॉइंट से दूसरा कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है उसकी अलग बात हो गई, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये इतना सा प्रूफ देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर थ्री के लिए। देखिए थ्योरम नंबर थ्री आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि 2007 से लेकर 2017 तक ये थ्योरम कंटिन्यू एग्जाम में आती रही है, राइट। 2007 से लेकर 2017 तक, अगर कहीं मेन एग्जाम में नहीं है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ गई है, मतलब बोर्ड ने इसको सिलेक्ट किया है, राइट और नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या प्रूव करना है यहां पे, कहता है कि थ्योरम में ये प्रूव करना है आपको कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से दो टेंजेंट ज्वाइन कर दिए मैंने, तो उन टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। सपोज इस लेंथ को मैं ए मान लेता हूं, इस लेंथ को मैं बी मान लेता हूं, तो हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी, राइट और नॉट, कि ये लेंथ जो है पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक दोनों इक्वल है, ओके। इनको यहां मानने की जरूरत नहीं है, हम पी ए पी बी में बात कर लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, राइट, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है अपनी तरफ से, कुछ डायग्राम में क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि ज्वाइन ओ ए इसको ज्वाइन करें, ज्वाइन ओ बी इसको ज्वाइन करें एंड ज्वाइन पी ओ, राइट, ये आप यहां पे मेंशन करेंगे, ज्वाइन ए ओ बी ओ एंड पी ओ, इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब आपके पास यहां पे दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। अब हम प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ में हमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ, देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है ए पी ओ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल इस लाइन से नीचे वाला ट्रायंगल, राइट, कौन सा, ओ पी बी, राइट, नीचे वाला ट्रायंगल, देखिएगा एंड ट्रायंगल बी पी ओ, राइट, ए पी ओ एंड बी पी ओ, इन दो ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी के नियम आपको ध्यान होंगे, कितने नियम है कॉन्ग्रुएंसी के, कितने रूल्स हैं। सबसे पहला होता है आपके पास एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है आपके पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट, एक होता है आपके पास एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एक होता है आपके पास आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इन चारों में से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहां पर हिट होगा ये देखना है हमने, ठीक है। अब आपने इससे पहले वाली थ्योरम में ये प्रूव कर दिया कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल कंसेप्ट करता है, तो यहां भी 90 और यहां भी 90, ठीक है, ये बात समझ में आती है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं, देखिएगा ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या है ये कॉमन, क्या हो गई, दिस इज कॉमन साइड, ओपी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, कॉमन हो गई, एंड ओ ए is equal to OB. OA and OB they both are equal. OA and OB both are equal. Reason being each radius
रेडियस, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, रेडियस होगी, दोनों ही रेडियस है, और साथ में मुझे मिला हुआ है एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ। पी ए ओ यानी दिस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एंड पी बी ओ यानी दिस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, 90 डिग्री है दोनों एंगल, ये हमने इससे पहले वाले थ्योरम में प्रूव कर दिया है, ठीक है जी। सो आप लिखेंगे यहां पे ईच 90, ईच 90 एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ, इससे पहले की थ्योरम में भी आपने प्रूव कर दिया। तो हम यहां पे लिखेंगे सो बाय, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई देखिए तीनों में से, आपके पास आर एच एस लग गई, राइट, सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब यहां पे जो कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स लिखने हैं आपको, ध्यान रखना, यहां पे तो आप नाम कैसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल का, लेकिन यहां पे जब आपने कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यूज कर लिया तब आपको ध्यान रखना है, आपको कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स मैच करके लिखने हैं। सो आप देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, तो यहां पे बी पहले आएगा, उसके बाद पी पॉइंट, पी पॉइंट तो दोनों का कॉमन है, और ओ पॉइंट, ओ पॉइंट भी दोनों का कॉमन है, तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आपके पास होने चाहिए। देखिएगा एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी एपी ये तो चलो प्रूव करना है, अभी इसकी बात करेंगे, पीओ इज इक्वल टू पीओ, पीओ इज इक्वल टू पीओ, देखिए यहां भी पीओ लिखा है, यहां भी एंड में पीओ लिखा है, तो दोनों इक्वल हो गई, आगे कोरोस्पोंडिंग वाली बात, ठीक है ना। और तीसरा दोनों एंड वाली एओ इज इक्वल टू बीओ, एओ इज इक्वल टू बीओ इज रेडियस, तो कोरोस्पोंडेंस का बहुत ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे हेंस बाय CPCTC, what is the meaning of CPCTC? Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. यानी दो congruent triangle के corresponding parts सभी equal होंगे। हम prove करते हैं कोई भी तीन part, उसके बाद बाकी part सब equal होते हैं, ठीक है? So हम लिखेंगे, इसीलिए हमारा ये prove हो गया, therefore पी ए इज इक्वल टू पी बी, या ए पी इज इक्वल टू, हमने यहां क्या लिखा है, ए पी इज इक्वल टू बीपी लिखा है, तो आप यहां पे ए पी इक्वल टू बीपी भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, डजंट मैटर, राइट। सो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब इसी थ्योरम को ध्यान में रखना है, नेक्स्ट थ्योरम में जब आएंगे तो इसको फिर से कॉल करेंगे, ठीक है, हैंस प्रूफ, यहां पर आप लिख दीजिए हैंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर फोर के लिए, देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम नंबर फोर आपके पास है, दिस इज नॉट थ्री दिस इज फोर, थ्योरम नंबर फोर आपके पास क्या है, देखिएगा दोस्तों बिल्कुल मिलती जुलती थ्योरम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। सबसे पहले देखिए थ्योरम है क्या, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ज्वाइन किए जाते हैं तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, इस बार आपसे उनकी लेंथ इक्वल नहीं पूछी गई है, वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो उसको हम यहां पे रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां से आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ये दोनों आपके टेंजेंट यहां पे ज्वाइन हो गए रेडियस के साथ, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये मुझे पता है, राइट, एंड देन ज्वाइन ओपी ऑल्सो, ओपी को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, ये पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। गिवन आप लिख लीजिएगा, मैं गिवन में टाइम खराब नहीं कर रहा हूं आपका, गिवन आप लिखेंगे सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, उससे दो टेंजेंट है, ठीक है, टू प्रूव मुझे ये करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन ओ पी ओ ए एंड ओ बी, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, जो ब्लैक वाली जो ब्लैक मार्कर से मैंने मार्क किया है वो मेरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलिए अब आप प्रूफ की बात करते हैं, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, मैं सिंपल सी ये मान लेता हूं, इसको नेम दे देता हूं मैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। So, देखिएगा प्रूफ में अब क्या करेंगे, आप इन ट्रायंगल पी ए ओ, पी ए ओ ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया मैंने, और एंड ट्रायंगल पी बी ओ, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल एक नीचे वाला ट्रायंगल, अब फिर से हम वही करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं,
ठीक है ना। फिर से फोर टाइप्स की कॉन्करेंसी होती है आपके पास। देखिए कौन कौन सी कॉन्करेंसी फोर टाइप्स की, उनमें से कौन सी यहां लगेगी, देखिएगा प्रूफ करते हैं। ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन बीइंग कॉमन, कॉमन साइड है मेरे पास, ओपी दोनों ट्रायंगल पे लग रही है राइट। उसके बाद मेरे पास आता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रीजन बीइंग ईच रेडियस, ईच रेडियस राइट। उसके बाद आप देखिएगा, आपने अभी प्रूव किया है एपी इज इक्वल टू बीपी, या आप लिख सकते हैं सॉरी यहां टू प्रूव नहीं आएगा, टू प्रूव में आप यूज करेंगे यहां पे दोस्तों एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, सो करेक्शन कर लीजिएगा ठीक है। टू प्रूव एंगल वन इक्वल टू एंगल टू करना है, वो पी ए इज इक्वल टू पीबी तो हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव कर दिया था ठीक है, उसको हम यहां पे कॉल करेंगे ओके। पी ए इज इक्वल टू पीबी, रीजन बीइंग टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए किसी दूसरी थ्योरम की हेल्प लेनी होती है आपको, एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए किसी दूसरी थ्योरम की हेल्प लेनी होती है। जो मैंने से पहले वाली थ्योरम में प्रूव किया था उसको मैं यहां पे कॉल कर लेता हूं, क्योंकि मैंने उस थ्योरम में प्रूव कर दिया था पी ए इज इक्वल टू पी वी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर मैंने ज्वाइन किए हैं किसी सर्कल के तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो मैं उसको यहां पे कॉल कर लेता हूं। यानी कि इसमें क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस साइड इज कॉमन एंड दिस इज रेडियस, दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है। तो यहां पे देखिए साइड 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 मेरी कॉन्ग्रुएंसी बन गई है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पीएओ, ट्रायंगल पीएओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीओ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम लिख देंगे बाय सीपीसीटीसी corresponding parts of congruent triangle are congruent, we can say angle 1 is equal to angle 2 right। अब इसके बाद जो next theorem आने वाली है बिल्कुल similar theorem आने वाली है, ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा difference है theorems में, exam में puzzle नहीं होने का, जितना पूछा गया है उतना ही काम करना है, उसको prove करके आना है। एक theorem को prove करने के लिए दूसरी की आप help ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं theorem number 5 के लिए। थ्योरम नंबर फाइव क्या है, थ्योरम नंबर थ्री फोर फाइव बहुत ही नजदीकी थ्योरम्स हैं, देखिएगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फिर से टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन किए गए हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है आपको ये समझना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। अक्सर कंफ्यूजन रहती है थ्योरम नंबर फोर और फाइव में कि क्या प्रूफ करना है ठीक है ना। दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट। अब जो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा है, बाहर वाला पॉइंट जो बात कर रहा है ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी बात कर रहा है। और जो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइन होते हैं, मतलब यहां पे जो ये इंक्लिनेशन है दोनों का वो सेम है। मीन आपसे ये पूछा जा रहा है दिस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इस बार आपके एंगल चेंज हो गए, वो वाले एंगल नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर फोर और फाइव में आप एक बार क्वेश्चन में डिफरेंस भी देख लीजिएगा, उसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। सो टू प्रूव एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इस बार मैंने एंगल वन इक्वल टू एंगल टू यहां मार्क किया है बिकॉज यही पूछा है इसने कि देयर एंगल्स आर इक्वल और नॉट। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, फिर से मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन था जो रेड मार्कर से सर्कल बना है वो और दो टेंजेंट लाइन। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, यह है जी जॉइन ओपी AO एंड BO, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, फिर से उन्हीं दो ट्रायंगल्स में चलेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं, देखिएगा कौन कौन से पार्ट्स इनके इक्वल हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं ओपी को, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये हमारा कॉमन साइड होता है राइट और नॉट। और एओ इज इक्वल टू बीओ, ये मेरा ईच रेडियस हो गया
ईच रेडियस सेम सर्कल का रेडियस है तो इक्वल होगा ओके. सो देन थर्ड पार्ट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी. पी ए दिस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों आपका इक्वल होगा ठीक है. इसका रीजन क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड वी हैव प्रूव्ड दिस इन थ्योरम नंबर टू. यू कैन राइट हियर रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के दो टेंजेंट जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं राइट. इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं तो इसको इस वाली थ्योरम में इसको कॉल कर सकते हैं ठीक है. अब देखिएगा नेक्स्ट लिखते हैं, हम यहां लिख देते हैं. सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल मेरे, दिस वन ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए. देन अगेन कॉल द सीपीसीटीसी, हेंस बाय सीपीसीटीसी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. जब हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो उनके रेस्ट जो पार्ट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे राइट. चलिए ये थी हमारी थ्योरम नंबर फाइव, आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर सिक्स के लिए. सी थ्योरम नंबर सिक्स क्या है आपके पास, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है थ्योरम नंबर सिक्स. यहां पे टू कंसेंट्रिक सर्कल है. कंसेंट्रिक सर्कल मीन टू और मोर सर्कल विद द सेम सेंटर, एक ही सेंटर पे बने मोर देन वन सर्कल को हम सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं राइट. सो यहां पे दो कंसेंट्रिक सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं. आपको प्रूफ क्या करना है, थ्योरम देखिएगा. ये कह रहा है कि जब एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि क्या है बड़े वाले सर्कल की कोड है लेकिन वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है. जब छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करेगी या लाइन सेगमेंट टच करेगी तो वो उसका टेंजेंट बन जाएगी ठीक है. तो इसका मतलब ए बी जो है वो टेंजेंट बन गया सर्कल छोटे वाले सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का ठीक है ना. इस बार यहां दोनों सर्कल का नेम ओ ही है ठीक है. तो मैं यहां पे इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं. ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि मैंने क्या ज्वाइन किया है, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन किया है. तो ये क्या होगा, यहां पर पेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. सो गिवन क्या है, सर्कल मुझे गिवन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है, ए बी कोड गिवन है. आप लिख लीजिएगा, मैं इसमें समय खराब नहीं कर रहा हूं. टू प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है एपी इज इक्वल टू पीबी, यानी कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, एपी इज इक्वल टू बीपी आपको प्रूव करना है ठीक है राइट ओके. उसके बाद चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है. कंस्ट्रक्शन आपने किया ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन किया और ओ ए को ज्वाइन करो एंड ओ बी को ज्वाइन करो राइट. ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ बी को ज्वाइन कर दो ठीक है. अब देखिएगा, अब फिर से वापस उन्हीं ट्राइंगल्स में आ जाओ दोनों में. इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, एक इधर वाली ट्राइंगल है एक ये वाली ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये भी 90 इधर है ना. तो अब क्या है, यहां पे देखिएगा हम यहां पे लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, वो इक्वल हो गई ठीक है ओके. ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या हो गई आपके पास कॉमन साइड हो गई. ओ पी इज इक्वल टू ओ पी आपके पास कॉमन साइड हो गई ठीक है. उसके बाद एक और एंगल आपके पास यहां 90 दिखाई, दो आपको यहां पे 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है. अब वो एंगल दोनों में सेम हो गया, जैसे क्या लिखेंगे आप, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये दोनों एंगल है ईच 90 राइट और नॉट, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं ओके. उसके बाद अब देखिएगा कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग गई, यहां पे कॉन्ग्रेंसी क्या लगेगी, देखिए हाइपरन्यूज, दोनों ट्राइंगल का हाइपरन्यूज हो गया और ये साइड हो गई और ये 90 डिग्री हो गया. सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल जो है
APO congruent हो गई triangle BPO के साथ, okay? Corresponding part लिखने हैं APO, तो इधर से BPO लिखा जाएगा, so hence by CPCTC, hence by CPCTC क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे AP is equal to BP, राइट। कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाकी के उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट जो बचे हुए हैं वो इक्वल होंगे। सो यहां से मुझे मिल गया कि दिस पार्ट AP इज इक्वल टू BP। ओके, तो ये था आपका थ्योरम नंबर 6। बहुत ही छोटा सा थ्योरम है, यहां छोटे छोटे थ्योरम है, 2-3 मार्क्स में आने वाले थ्योरम है, लेकिन थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग से भी है, तो आप इनको अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 7 के लिए। सी थ्योरम नंबर 7 क्या है आपके पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम बन सके। थ्योरम नंबर सी है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर ऑलवेज पैरेलल। कि अगर एक डायमीटर है मेरे पास, जैसे पी क्यू मैं एक डायमीटर लेता हूं और ये ओ मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, डायमीटर ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, यू नो वेरी वेल, ठीक है। सो आपके प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको प्रूफ ये करना है कि ये डायमीटर, ये जो टेंजेंट है ए बी, दैट विल बी पैरेलल टू सी डी। ये कह रहा है कि एक डायमीटर है पी क्यू, उसके एंड पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट निकालूं तो वो हमेशा पैरेलल आएंगे, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब यहां पे आपसे रिकॉल करेंगे, आप यहां पे किसको रिकॉल करेंगे, क्लास 7th में जो आपने लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनको रिकॉल करेंगे। क्लास 7th में आपको लाइंस एंड एंगल्स इंट्रोड्यूस होता है। देखिएगा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन आपको करना है, आपको ये सब गिवन है, आपको कंस्ट्रक्शन यहां पे कुछ खास नहीं है, बस ये एंगल आपको 90 डिग्री शो करना है, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। इतना तो मुझे गिवन है, गिवन में आ जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन यहां पे आप लीव कर दीजिए, ओनली प्रूफ यू विल राइट, ठीक है। तो आपका सिर्फ प्रूफ होगा, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है। अच्छा देखिएगा उसके बाद हम क्या प्रूफ करते हैं, डायग्राम में आपको क्या क्या गिवन है वो चीजें देख लीजिएगा। देखिए जो आपके पास है एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन बीइंग टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, राइट और नॉट। टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं OP के साथ परपेंडिकुलर मान लूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पे, आई कैन राइट एंगल APQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम। हम लिख सकते हैं कि APO तक लिखूं या APQ तक लिखूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपके पास क्या आता है कि एंगल CQP इज इक्वल टू 90 डिग्री, CQP आपके पास 90 डिग्री। देखिए ये थ्योरम भी दो तरीके से प्रूव हो सकती है, ठीक है ना। मैं यहां पे ले रहा हूं को इंटीरियर एंगल्स, और अगर आप इस वाले एंगल को 90 बोलेंगे, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी तो एंगल 90 होगा। अगर आप इन दोनों को 90 प्रूव करते हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और अगर आप इन दोनों को 90 लेते हैं तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सो आप लिखेंगे सो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, ए पी क्यू और सी क्यू पी दोनों का सम मेरे पास हो गया जी 90+90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इन दोनों एंगल्स का सम मेरे पास जब 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, राइट और नॉट। रीजन बीइंग इसका रीजन क्या हुआ, ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं प्रॉपर्टी को, क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए ऐसे अगर दो लाइंस हैं, कोई भी दो लाइंस हैं, अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये लाइंस पैरेलल हैं, मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, नॉट लाइन सेगमेंट, लाइन है। और अगर मैंने एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ट्रांसवर्सल, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल वन एंड एंगल टू दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं दीज टू लाइन्स आर पैरेलल।
तो ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है, ये दो लाइंस हो गई और ये जो PQ डायमीटर हो गया वो ट्रांसवर्सल, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट एंगल हो गए और ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होगी। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 नहीं है तो ये लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आप रिकॉल करते हैं और ये हैंस वेरीफाइड हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 8 के लिए। देखिए थ्योरम नंबर 8 क्या है आपके पास, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। कहता है कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड एट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो दो टेंजेंट आपने ज्वाइन किए हैं, ये दोनों टेंजेंट जो है यहां पे चार एंगल बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो ये कह रहा है कि तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो मैंने मार्क किए हैं, इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है आपको। यानी कि आपको प्रूव करना है एंगल ओ प्लस एंगल, या आपको डिटेल से लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी दिस वन एंगल इज इक्वल टू प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। सो आपको ये पता है कि टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब आपके पास एबीसीडी एंगल है, देखिए एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। अब आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल दिस वन एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, अब बी एंगल का नाम लिख रहा हूं, तो ओ बी पी प्लस एंगल, या आप इनको 1 2 3 4 नेम दे दें वो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। वैसे भी आप कर सकते हैं कि एंगल ये क्या हो गया आपका ओ बी पी हो गया, तो उसके बाद बी पी ए इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आप यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है कि उसके चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो अब देखिए ओ ए पी, ओ ए पी दिस इज 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री है आपके पास। आप इसको अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, रीजन बीइंग टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए दोनों एंगल 90-90 हो गए आपके, ठीक है। सिमिलरली AOB एंगल तो आपको प्रूव करना है, सो यहां पे आप लिखें इसको ऐसे ही, एंगल AOB प्लस OBP, OBP क्या हो गया, OBP, OBP तो 90 हो गया आपके पास, एंड प्लस एंगल BPA या ABP, ठीक है ना, यहां ABP लिखा है, यहां भी ABP कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ए बी पी, ओके ए पी बी, सॉरी ए पी बी, सो ये इसको भी आप ए पी बी करो, ए पी बी इक्वल टू 360। अब इन दोनों का सम करो, 90 प्लस 90 180, 180 राइट में जाके माइनस होगा, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 माइनस 180 होगा तो 180 मिल जाएगा, हैंस प्रूफ। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दो एंगल का सम 90 होता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं उनको, ना कॉम्प्लीमेंट्री हो सप्लीमेंट्री हो कई बार कॉल कर लेता है, जब हम चैप्टर करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो वहां पे देखना कॉम्प्लीमेंट्री को भी कुछ क्वेश्चंस में कॉल कर रहा है वो, तो आपको इन बेसिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
थ्योरम नंबर 9 आपके पास क्या है, बहुत ही छोटी सी थ्योरम है, बहुत ही अच्छी समझने वाली बात है कि देखिए क्या, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। कहता है कि टेंजेंट पॉइंट, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट लाइन पास कर सकती है, दूसरी टेंजेंट लाइन पास नहीं करेगी, वो अगर पास करेगी तो वो कोइंसाइड करेगी, ठीक है ना। सो हम देखते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट में थोड़ा सा आप इसको पहले तो डिटेल थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखना पड़ेगा हमें। क्या है आपके पास, ओ इज अ सर्कल, ओ इज अ सर्कल, ठीक है, एंड ओपी इज टेंजेंट, ओपी इज रेडियस। उसके बाद हम मान लेते हैं, चलिए हमें प्रूव करना है कि एक ही टेंजेंट होगा, तो हमें अभी तक पता नहीं है कि मोर देन वन टेंजेंट हो सकते हैं क्या, तो हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि वहां पे दो टेंजेंट है। सपोज देखिएगे, इफ पॉसिबल लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, मैंने मान लिया कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं पासिंग थ्रू पॉइंट पी की, जो पी पॉइंट से पास कर रहे हैं, दो टेंजेंट मैंने मान लिए। ओके, समझ आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, अब हमें यह पता है कि अगर ये दोनों टेंजेंट है, अगर हमने ये प्रूफ पहले प्रूफ कर चुके हैं ये वाला थ्योरम कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है कि नहीं, टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यहां पे तो दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां से 90 बनाएगा तो इसका मतलब तो ये भी यहां से 90 बनाएगा, राइट और नॉट, बनाएगा भाई, दोनों मैंने टेंजेंट माने हैं तो दोनों 90 बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल OPA is equal to 90 degree and angle OPB is equal to also 90 degree। आप इसको A dash भी मान सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको डैश वगैरह लिखा होता है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल 90 हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप ये बताइएगा, मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे यहां एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया सपोज, ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स से पास कर रहा है। अब मैंने आपको फिर कहा कि एक बार और कंस्ट्रक्शन करिएगा, 90 डिग्री एंगल फिर से बनाइएगा इस पी पॉइंट पे, आपने फिर से वही किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, इस तरह से आपने काम करना शुरू किया, और आप ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी बार परपेंडिकुलर इधर चला जाए, हाउ दिस इज पॉसिबल, परपेंडिकुलर तो एक ही लाइन पे जाएगा, वापस उसी लाइन पे जाता रहेगा, अगर मैंने बेस पॉइंट सेम लिया है तो परपेंडिकुलर हमेशा एक्स से पास करेगा, पास कर ही नहीं सकता दूसरे पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल तभी इक्वल हो सकते हैं जब एक ही लाइन होगी, इसका मतलब हुआ हेंस आप लिखेंगे एंगल ओपीबी ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओपीबी ओपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम हो गए, दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली व्हेन पॉइंट, कब, जब पॉइंट ए एंड बी कोइंसाइड, जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे, ये अलग अलग जगह पे नहीं है, यानी कि ये बी पॉइंट जो है वो इसके यही बी पॉइंट है सेम, या फिर इसी लाइन पे है, हम इसको कोलिनियर भी बोल सकते हैं कि पी ए बी जो है वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, यहां पे तो नॉन कोलिनियर आ गए, नॉन कोलिनियर का मतलब कि एक लाइन में नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ए और बी पॉइंट कोइंसाइड होंगे, या फिर पी ए बी जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे होंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट, हेंस ओनली वन एंड वन टेंजेंट पॉइंट इज टेंजेंट लाइन इज पॉसिबल फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा, अगर दूसरा आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो सेम उसी लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी थ्योरम नंबर 9। चलिए लास्ट थ्योरम ऑफ दिस एपिसोड एंटर करते हैं थ्योरम 10 के लिए। देखिएगा थ्योरम नंबर 10 जो है काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है, ये भी 10 के 10 थ्योरम इंपोर्टेंट है। आप ये कहेंगे सर आप हर एक थ्योरम को इंपोर्टेंट बता रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं हर एक इंपोर्टेंट को थ्योरम, बिकॉज है हर बार एक थ्योरम आती है इनमें से हर बार, और बहुत ही छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, 2-3 मार्क्स में आ जाती हैं, आपको प्रूव करनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दिस इज दैट प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। ये कह रहा है कि अगर जहां पे ये कॉन्टेक्ट पॉइंट आ रहा है इसका, वहां से अगर एक लाइन ज्वाइन की जाए कॉन्टेक्ट पॉइंट से, तो ऐसे ज्वाइन करें परपेंडिकुलर लाइन, यानी यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सपोज दिस इज टेंजेंट पॉइंट, अगर आप यहां पे एक पॉइंट मान लेते हैं ऐसे, सपोज दिस इज टेंजेंट पॉइंट, तो यहां पे मैं अगर 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा इस एक्स पॉइंट पे, तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका मेरा कोई रोल नहीं है। तो मुझे यहां परपेंडिकुलर पॉइंट लाना है, टी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा तो वो हमेशा सेंटर से जाएगा, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके, चलिए यहां डायग्राम में आपको दिखाई क्या दे रहा है पहले तो वो बताइए। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ओटी इज रेडियस, ओटी क्या है रेडियस, आप यहां लिखेंगे प्रूफ, नॉट सॉल्यूशन, आप लिखेंगे प्रूफ, गिवन और टू प्रूव आप लिख दीजिएगा, गिवन में यही सेम स्टेटमेंट आएगा और टू प्रूव में सेम स्टेटमेंट आएगा, गिवन में आपके पास आएगा ए बी इज टेंजेंट, ओ इज सर्कल, वो सब लिखना बहुत जरूरी है, लिख दीजिएगा। ठीक है, ओपी इज रेडियस, ओटी इज रेडियस, ओ से टी तक रेडियस है। ठीक है, और एंड ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट, ए बी जो है वो टेंजेंट है। ठीक है, जब ए बी टेंजेंट हो गया, ओटी रेडियस हो गया, तो मैंने इससे पहले की थ्योरम में क्या प्रूव किया है कि ओटी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूं पहले कि ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए टी ओ जो है वो 90 डिग्री एंगल है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसी को मैंने आगे रेडियस को एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पे पी पॉइंट आ गया, तो ए टी ओ लिखूं या ए टी पी लिखूं, ये एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया इस पॉइंट पे, और वो यहां पे मिल रहा है क्यू पॉइंट पे जा रहा है, सपोज है ना, इफ पॉसिबल लेट, मान लीजिए टी क्यू इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, टी क्यू जो है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, बट मैंने क्या किया है, मैंने ये 90 डिग्री एंगल तो बनाया है ना, हाँ मैंने 90 का एंगल बनाया है, ये एंगल भी मेरा 90 का है इस डॉटेड लाइन तक, ब्लैक लाइन तक, यानी कि बट आपके पास क्या है, आपने ये एंगल तो बनाया है ए टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आपका 90 है ना, क्योंकि ये तो गिवन है कि आपको यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो मैंने दो सिचुएशन मान ली कि एक तो मेरा 90 डिग्री एंगल बना तो वो क्यू पे जा रहा है, एक मेरा 90 एंगल बना तो वो पी पे जा रहा है। अरे भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है ये, अभी मैंने पीछे वाली थ्योरम में बताया था कि जब एक 90 डिग्री एंगल बनेगा तो वो हमेशा एक ही लाइन होगी, कोइंसाइड करती जाएगी वो लाइन, आप उस पॉइंट पे कितने भी 90 डिग्री के एंगल बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको ये दो चीजें मिलती हैं, एंगल एटीपी, एंगल एटीपी इज इक्वल टू एंगल एटीक्यू, एंगल एटीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एटीपी और एटीक्यू दोनों 90 डिग्री है, कैसे पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन टी टीपी एंड क्यू आर कोलिनियर, राइट, ईपी एंड क्यू आर कोलिनियर, जब कोलिनियर होंगे
लेकिन ओ एंड क्यू आपके जो पॉइंट्स हैं वो कहां हैं, दे बोथ आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बट ओ एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, राइट और नॉट? सो पी एंड क्यू कोइंसाइड, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली एक ही लाइन पास की जा सकती है जो कि सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों 10 थ्योरम्स का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपके लिए 10 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको बहुत ही समझ आया होगा अच्छे से। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।